Learn English easily. Like, share and subscribe. Dear students, today we are going to start a very interesting chapter, and the name of the chapter is The Tiger King, written by Kalki. आज हम लोग द टाइगर किंग की कहानी पढ़ने वाले हैं और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस कहानी के बाद आपको एक क्विज मिलेगा लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में, जहाँ से आप टेस्ट देकर तुरंत रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और आप कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से अगर आप टेस्ट को फेस करते हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी कहानी क्या है. इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइगर किंग. टाइगर किंग एक राजा का नाम है जो कि बड़ा ही विपरीत परिस्थिति में या अजीब सिचुएशन इसको कह सकते हैं, उसका नाम पड़ा टाइगर किंग. और यह कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है इसी कारण से. द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. इस कहानी का जो नायक है वो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम है. He may be identified as His Highness Jamedar General Khiledar Major Sat Vyagra Samahari Maharaja Dhiraj Vishwabhuvan Samrat Sir Jilani Jang Jang Bahadur A MAD ACTC or CRCK. इतना लंबा चौड़ा नाम उसका है. लेकिन but this name is often shortened to the Tiger King. लेकिन छोटा नाम उसका रखा गया है the Tiger King. आखिर Tiger King उसका नाम पड़ा क्यों? यह एक कहानी आयरनी से भरपूर है. इसमें विडंबना है कहानी में, आप समझेंगे जब पूरी कहानी आप ध्यान से देखेंगे. सो वॉच द फुल वीडियो. बर्थ एंड प्रेडिक्शन. ही इज बॉर्न एज अ प्रिंस एंड एस्ट्रोलॉजर्स आर कॉल्ड ऑन टू फोरकास्ट हिज फ्यूचर. उसके जन्म के बाद कुछ ज्योतिषी आते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं उसके जीवन के बारे में. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट. इस कहानी का मुख्य इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जिस तरीके से उसकी मौत होगी वही इस कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. और यह कहानी के अंत में पता चलेगा. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई. जब इसका जन्म होता है तो सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट यही बताया जाता है कि उसकी मृत्यु कैसे होगी. और The child will grow up to become the warrior of warriors. वह योद्धाओं का योद्धा होगा, हीरो ऑफ हीरोज होगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस होगा. लेकिन यह एक रहस्य है जिसे वह बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें बोलना पड़ता है कि चूंकि इस बच्चे का जन्म एक ऐसे नक्षत्र में, ऐसे स्टार में हुआ है जिसके कारण इसे एक न एक दिन मरना पड़ेगा. एक विचित्र घटना होती है. क्या है? An astonishing phrase emerged from the lips of 10-day-old Jilani Jang Jang Bahadur. 10 दिन का बच्चा अचानक से बोल पड़ता है और जिसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वह कहता है ओ वाइज प्रोफेट्स. अरे ओ बुद्धिमान महात्माओं. ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई. हर कोई जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना पड़ता है. वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट. हम तुम्हारे इस प्रेडिक्शन को नहीं सुनना चाहते हैं. देयर वुड बिकम सेंस In it, if you could tell us the manner of that death. मृत्यु किस प्रकार होगी, किस चीज़ से होगी, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए. तो ऐसे इंटेलिजिबल क्वेश्चन को सुनकर वे हतप्रभ रह जाते हैं. दे आर सरप्राइज. अ बेबी बियरली 10 days old opens its lips in speech. 10 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है? और केवल बोल ही नहीं रहा, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी पूछता है. इनक्रेडिबल, जो कि अविश्वसनीय है. द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल. तब ज्योतिषी बताता है कि यह बुल के नक्षत्र में जन्म हुआ, इसका बुल स्टार में हुआ है. द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज. यानी बुल सांड जो होता है और टाइगर जो होते हैं दोनों दुश्मन होते हैं. देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर. इसीलिए इसकी मृत्यु टाइगर से होगी. अब इसका क्या रिएक्शन होता है? वॉ ऑफ द प्रिंस एंड हिज अपब्रिंगिंग. अब वह शपथ लेता है और उसका पालन पोषण कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे. टाइगर द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप क्रॉल. गुर्राकर उसने कहा बाघ, और डराने वाले शब्दों से उसने कहा लेट टाइगर्स बी वेयर. अब बाघों को मुझसे डरने की जरूरत है. ही बिगैन टू बी यंग. वह बढ़ने लगा. ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ. अंग्रेजी गाय का दूध पीता था. इंग्लिश नैनी ब्रॉट हिम अप.
अंग्रेजी आया जो थी उसका पालन पोषण करते थे. इंग्लिश टीचर ट्यूटर्ड हिम, इंग्लिश टीचर उसको सिखाता था इंग्लिश. ही सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स लाइक अदर रॉयल किंग्स ऑफ इंडिया, दूसरे राजाओं की तरह वह भी इंग्लिश फिल्म देखा करता था. तो उसका पालन पोषण एक बड़े खानदान में जिस प्रकार होता है उस प्रकार से होने लगा. इन द मीन टाइम ही बिकेम 20 years old, वह 20 साल का हो गया एंड क्राउंड एज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, और उसे प्रतिबंधपुरम का राजा बना दिया गया. बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन हर किसी को याद था कि ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की थी. धीरे धीरे क्या हुआ, यह बात उसके कान में ही पड़ी. हिज फर्स्ट हंटिंग ऑफ टाइगर एंड एस्ट्रोलॉजर्स नेक्स्ट प्रेडिक्शन, मेनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर ऑफ प्रेडिक्शन, बहुत सारे लोग इस बात को हमेशा जिक्र करते रहे. और जब यह बात राजा के कानों में पड़ी, ही हंटेड फर्स्ट टाइगर एंड कॉल्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजर, उसने ज्योतिषी को बुलाया, उसके सामने बाघ को फेंक दिया, मरा हुआ बाघ को, और कहा अब बताओ. तब ज्योतिषी फिर से कहता है, फिर से उसकी जो भविष्यवाणी है वो क्या होती है, योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, जैसे आसानी से आपने इस बाघ को मार दिया ना महाराज, आप 99 बाघों को ऐसे ही मार देंगे. बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, लेकिन एस्ट्रोलॉजर डरते हुए कहता है, बट वॉट, राजा चिल्ला कर कहता है, क्या बताओ, स्पीक विदाउट फियर, बिना डरे बोलो. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, आपको 100वें बाघ से बचकर रहना है. वॉट इफ द 100th टाइगर वेर ऑल्सो किल्ड, क्या हुआ अगर मैं 100वां बाघ मार दिया तो, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम, मैं अपने ज्योतिष विज्ञान के सारे किताबों को जला दूंगा. एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी टिकिया यानी चोटी काट डालूंगा. क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, मैं अपने बालों को कटवा लूंगा, मुड़वा लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, बीमा एजेंट बन जाऊंगा. द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहरेंट नोट, बड़ा ही इलॉजिकली वह बोलता है और कहानी आगे बढ़ चलती है. अब क्या करता है, राजा जो है टाइगर हंटिंग पर बैन लगा देता है और सारे बाघों को खुद मारता है. ही वॉट अंटिल ही किल्स 100 टाइगर्स एंड ही ओंट टेक एनी इंटरेस्ट इन अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राजकाज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाएगा जब तक कि वो 100 बाघों को नहीं मार लेता. उसने टाइगर किलिंग पर बैन लगा दिया. ही बैन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, ही प्रोक्लेम्ड, उसने यह ढिंडोरा पिटवा दिया, अगर कोई एक पत्थर भी उठाकर बाघों के ऊपर मारता है तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी. ठीक है, डेंजर ऑन हिज किंगडम, अब उसके राज्य पर एक खतरा आता है. क्या है, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, उसके राज्य में एक हाई ब्रिटिश ऑफिसर आता है और उसे भी बड़ा शौक था कि टाइगर्स का वो शिकार करे और उसके साथ वह फोटो खिंचवाए. तो महाराजा ने ऐसा कोई परमिशन नहीं दिया और इस परमिशन के नहीं देने के कारण, बट द महाराजा वॉज फर्म इन रिजॉल्व, अपने वचन पर दृढ़ था, उसने परमिशन नहीं दिया. और उसने चूंकि ब्रिटिश ऑफिसर को प्रिवेंट किया, उसे शिकार नहीं करने दिया, उसने शिकायत कर दी और उसका राज्य खतरे में पड़ गया. तो अपने राज्य को बचाने के लिए 50 डायमंड रिंग्स वेयर ऑर्डर्ड फ्रॉम ब्रिटिश ज्वेलर्स कैलकटा एंड सेंट टू दुराई सानी द वाइफ ऑफ दुराई, जो ऑफिसर आया था उसको दुराई कहते हैं, दुराई सानी उसकी पत्नी थी. उसकी पत्नी के पास राजा ने 50 डायमंड रिंग भिजवाए जो कि ब्रिटिश ज्वेलर्स कैलकटा से मंगवाया गया था. और राजा ने सोचा कि एक दो वो चुन कर रख लेंगी, लेकिन उस लालची औरत ने 50 रख लिया. इस तरह से राजा को 3 लाख का नुकसान हुआ. किसी तरह से उसने अपने राज्य को बचा लिया. मैरिज एंड हंटिंग ऑफ 99 टाइगर्स, अब उसने अपने राज्य के 70 बाघों को मार दिया था और जब राज्य में सारे बाघ खत्म हो गए तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स को मारने के लिए उसने दीवान को बुलाया. ही कॉल्ड हिज दीवान एंड ऑर्डर टू सर्च अ प्रिंसेस फॉर मैरिज ऑफ सच स्टेट हैविंग हाई पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, और वैसे राज्य से राजकुमारी को ढूंढने को कहा जहां बड़ा जंगल हो और बहुत सारे बाघ हों. उसने शादी की और जब कभी भी वह ससुराल जाता था 6-7 टाइगर्स को मारकर ही आता था. इस प्रकार उसने 99 बाघों को मार डाला. और लेकिन उसके लिए एक चैलेंज बन गया 100वां बाघ, क्योंकि सारे टाइगर्स खत्म हो गए. उसे एक न्यूज़ मिला, ही गॉट द न्यूज़ ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ शीप्स, धीरे धीरे कहीं से अचानक
भेड़ें गायब होने लगी तो उसने जंगल में ही कैंप कर लिया, लेकिन उसे वह बाघ मिला नहीं। तो उसने अपने दीवान को ऑर्डर दिया, ऑफिसरों को ऑर्डर दिया कि अगर वे फेल हो जाते हैं टाइगर को अरेंज करने में तो उनकी नौकरी जाएगी और उन्हें सजा भी मिलेगी। इस प्रकार वे सारे डर जाते हैं और टाइगर किंग जो है वो बहुत गुस्से में रहता है। उसे एक प्रकार का गुस्सा भी है और बहुत चिंतित है कि सौवा बाघ कब मिलेगा। तो फाइनल सॉल्यूशन उसके सामने आता है। दीवान जो होता है वह मद्रास जाकर एक पीपल्स पार्क से एक बूढ़ा बाघ खरीद कर लाता है और ओल्ड टाइगर को खरीद कर लाकर जब वह कैंप के पास पहुंचता है तो अपने कार में उसे ज़बरदस्ती धकेल कर उतारता है पत्नी के साथ। और टाइगर इतना थका हुआ, इतना बूढ़ा है कि चल भी नहीं पाता और बड़ा केयरलेसली वह ध्यान नहीं देता है कि लोग क्या देख रहे हैं। तो दूसरे दिन वह राजा के सामने थका हुआ अनमना सा एक नौकर की तरफ पहुंचता है, जैसे कि वह आज्ञा मानने को आया हुआ हो। और बाघ को इस तरह देखकर द किंग एज ए सर्वेंट बिफोर द किंग एज ए सर्वेंट एंड ही शॉट द टाइगर केयरलेसली। और जब बाघ राजा के सामने आता है तो राजा जो था उसने गोली जो मारी बड़ा ही केयरलेसली मारा, जिसके कारण उसे गोली लगी नहीं बल्कि गोली की आवाज़ से ही वह बेहोश हो गया। द हंटर्स फाउंड द टाइगर अलाइव एंड दे किल्ड। जब राजा चला गया और लोगों ने चेक किया कि अभी तक तो ये टाइगर मरा नहीं है, तो उन लोगों ने उसे मार डाला, शॉट हिम डेड। इस तरह से दस द किंग फेल्ड टू किल द 100 टाइगर। इस तरह से राजा जो है असफल हो जाता है सौवा बाघ मारने में, जो एक प्रकार की विडंबना की बात है। यही एक विडंबना है, आयरनी है। द डेड टाइगर वॉज ब्रॉट विथ ग्रैंड प्रोसेशन एंड दस द टाइगर किंग वॉज हाईली एलेटेड विथ हिज सक्सेस। अपनी सफलता पे बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसने सौवा बाघ तो मारा ही नहीं, लेकिन वह फिर से अपने राजकाज में लग जाता है, नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। डेथ ऑफ द टाइगर किंग। अब उसकी मृत्यु कैसे होती है? नाउ बींग सेटिस्फाइड ही बिगैन हिज नॉर्मल लाइफ। अब वह संतुष्ट था कि उसने 100 बाघ मार लिए हैं, उसकी मृत्यु अब संभव नहीं है, बाघों से उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन द मीन टाइम ही वॉज ब्लेस्ड विद सन एंड बिकेम 3 ईयर्स ओल्ड। इस दौरान उसे एक बेटा भी हुआ जो 3 साल का हो चुका था। और उसके जन्मदिन पर फॉर हिज सन्स बर्थडे ही बॉट अ वुडन टाइगर। उसने एक लकड़ी का बाघ खरीदा बाजार जाकर। पुअरली मेड विथ रफ स्लीवर्स, बहुत ही खराब तरीके से बना हुआ था, लेकिन बहुत कीमत पर उसने 300 देकर एक रफ तरीके से बना हुआ लकड़ी का बाघ खरीद कर लिया, जिस पर स्लीवर्स निकले हुए थे, तिनके निकले हुए थे, कांटी निकली हुई थी, जिससे वो हर्ट हो जाता है खेलते समय। अपने बेटे के साथ जब खेलता रहता है तो उसकी उंगली में यह जो है स्लीवर चुभ जाता है और रिजल्टेड अ बिग वुंड, उसे एक बड़ा घाव हो जाता है। एंड हिज होल बॉडी गॉट इन्फेक्टेड, और उसका पूरा शरीर जो है इस घाव से इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर क्या होता है, अ टीम ऑफ 3 डॉक्टर्स फ्रॉम मद्रास ऑपरेटेड। बुलाया जाता है डॉक्टरों को, उसका ऑपरेशन होता है, बट दे फाइनली डिक्लेयर्ड हिम डेड, लेकिन वे उसे बचा नहीं पाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। दस द 100 टाइगर टुक द रिवेंज। इस प्रकार सौवें बाघ ने अपना बदला ले लिया। इस तरीके से बड़े ही अजीब तरीके से, बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से, नाटकीय अंदाज में इसकी मृत्यु होती है। और किसी न किसी रूप में जो ज्योतिषी था उसकी भविष्यवाणी सत्य हो जाती है। सो दिस इज़ द स्टोरी। आई होप दैट यू मस्ट हैव एन्जॉयड इट। बहुत ही मज़ा आया होगा आपको। आइए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ डिड द टाइगर किंग गॉट हिज नेम। टाइगर किंग को टाइगर किंग नाम कैसे मिला। वॉट डिड ही डू टू किल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स। जितने टाइगर्स से मारने थे, 70 मारने के बाद बाकी टाइगर को मारने के लिए उसने क्या किया। हाउ डिड हिज किंगडम फॉल इन डेंजर। उसका राज्य खतरे में कैसे पड़ गया, उसकी गद्दी कैसे खतरे में पड़ गई। एंड हाउ डिड ही सेव, उसने बचाया कैसे। तो कहानी आप फिर से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा किस प्रकार उसने 50 हीरों की अंगूठियां भिजवाई थी। हाउ डिड ही फाइनली डाई, अंततः वह कैसे मरा। हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज, सौवें बाघ ने अपना बदला कैसे लिया, ये बताना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। यह कहानी जो है एक प्रकार से आलोचना है, एक बहुत बड़ी आलोचना है इस बात पर कि जो लोग पावर में होते हैं, जिनके पास शक्ति होती है, वो मनमाने तरीके से अपना काम करते हैं, जैसे निर्दोष बाघों को मार दिया जाता है इसमें।
हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी, इस कहानी में जो राइटर है किस प्रकार नाटकीय विडंबना को दर्शाता है ये बताने की जरूरत है इसमें। तो ये ड्रामेटिक आयरनी क्या है कि वह राजकाज को छोड़कर बाघों को मारने में लग जाता है, बाघों का शिकार उसका लक्ष्य बन जाता है, इस तरीके से वह इतना एंगेज हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि उसका बच्चा होता है उसको ये भी पता नहीं होता है, और इस बड़े टारगेट को लेकर वह अपने मंत्रियों को, संतरियों को, ऑफिसर्स को बहुत परेशान करता है। सो दिस इज़ द ड्रामेटिक आयरनी ऑफ दिस स्टोरी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, आप समझ गए होंगे कहानी को। अब कहानी के अंत में आपको मैं एक बात फिर से कह दूं कि इस वीडियो के अंत में मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिसकी मदद से आप इस वीडियो पर बना हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक टेस्ट दें, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहानी कितना समझा है, और यह बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय द स्टोरी। हैव अ गुड डे।